मैं अलिम्को की रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट हूँ। यहाँ पे जो बच्चे लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनका असेसमेंट की जिम्मेदारी मेरी है। उनको देखना कि हम उनको क्या बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या एड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटल रिटार्डेशन होती है, लेकिन उनका ऑर्थोपेडिकली भी उनको कुछ ना कुछ इशू होता है, तो उसके लिए प्रिवेंटिव आगे के लिए उनके कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी ना हो या फिर कोई और प्रॉब्लम ना आए, हम जिसे जितना प्रिवेंट कर सकते हैं इसलिए हम उस हिसाब से उन बच्चों को डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे एंकल फुट ऑर्थोसिस, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। और जितने भी यहाँ पे बच्चे आए हैं जिनका अगर UDID कार्ड नहीं बना होता है या असेसमेंट उनको देख के अगर, तो हम उनको आगे के लिए गाइड भी करते हैं कि आप ये चीज़ कहाँ से बनवा सकते हैं, ताकि आगे फ्यूचर में अगर कैंप्स लगते हैं तो वो बच्चे उससे कैसे मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिले। जितने लोग यहाँ आते हैं उनको वो आगे जाके भी अपनी अवेयरनेस करते हैं कि ऐसा कोई कैंप लगा है, ताकि आगे जाके इससे ज़्यादा नंबर में और बच्चे आएँ और उन्हें बेनिफिट मिले। मैं कुलदीप शर्मा, डिस्ट्रिक्ट ID एंड IDS कोऑर्डिनेटर, ज़िला कुल्लू। हम पूरे ज़िला भर में 9 अक्टूबर से मेडिकल असेसमेंट कैंप पूरे ज़िला में करवा रहे हैं, जो कि 7 ब्लॉक्स में होना निश्चित हुआ था। तो इस कैंप में हम जो भी CWSN के बच्चे होते हैं जिनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहता है, उन बच्चों को फिर से एक्सेस किया जाता है। और इसके लिए अलिम्को की टीम, जो मोहाली की टीम है, वो हमारे साथ है। आप साथ में देख सकते हैं, हमारे साथ मधुर जी हैं, निधि मैडम हैं। तो इसमें इन बच्चों को बुलाया जाता है ब्लॉक वाइज, वेन्यू वाइज, हमने अखबार से अनाउंस कर दिया था। तो हमने 9 तारीख से ये निरमंड से ब्लॉक से शुरू किया था, फिर उसके बाद 10 तारीख को आनी ब्लॉक में, 11 को हमने बंजार ब्लॉक में इसे करवाया, 12 तारीख को आनी ब्लॉक में करवाया, और पिछले कल 13 तारीख को हमने शमशी ब्लॉक, जो कुल्लू 1 है हमारा, वहाँ करवाया। और आज हमारा 6 कैंप है ये, जो कि यहाँ BRCC ऑफिस कुल्लू 1 में ये कैंप आज करवाया जा रहा है। ये आज तक 6ठे कैंप तक लगभग 250 से ज़्यादा बच्चों को असेस किया जा चुका है, और जिसमें से 70 से ज़्यादा बच्चे हमें ऐसे मिले हैं जिन्हें कि विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जो कि अलिम्को द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। ये सारा का सारा कार्यक्रम डाइट कुल्लू की तरफ से, जो जहड़ में है उनकी तरफ से करवाया जा रहा है। इस कैंप में जो बच्चे एसएस का आइडेंटिफाई होते हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट, जैसे किसी को चलने की प्रॉब्लम है तो उनके लिए क्रच है, या कोई CP चेयर है, व्हील चेयर है, इस प्रकार की चीज़। जो थोड़ा 80% से ऊपर विजुअली देखने की समस्या है उनके लिए केन स्टिक या मोबाइल, इस प्रकार के कई इक्विपमेंट है, बच्चों को देखकर इन चीज़ों को दिया जाता है। और इसी कड़ी में जो 7वां कैंप है हमारा, जो लास्ट है कुल्लू ज़िले का, वो 16 तारीख को नगर ब्लॉक में करवाया जाएगा। मधुर शर्मा है, मैं अलिम्को मोहाली की तरफ से आई हूँ। अलिम्को इज़ आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए और लोगों के लिए काम करती है। द मेन पर्पस इज़ रिहैबिलिटेशन। हम चाहते हैं कि सब लोग जो स्पेशली एडेड हैं उन्हें हम किसी भी तरीके से नॉर्मल की तरफ लेके जाएँ। वी डू आर बेस्ट फॉर द सेम। यहाँ पे हमारे मेरी टीम में एक PNO भी हैं जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी पर काम करते हैं। हमारे पास ऑडियो के लिए हियरिंग एड्स हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए हमारे पास सुगम्य केन, डेजी प्लेयर, क्या है, ब्रेल किट है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए रोलेटर, व्हील चेयर, CP चेयर एट्सेट्रा, और KFOs, AFOs वगैरह हैं जो डॉक्टर निधि प्रिस्क्राइब करती हैं। बाकी आप डॉक्टर निधि से पूछ लीजिए, वो ऑर्थोपेडिक्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। CD चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।